हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक दफ़ा फिर आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मनी हाइस्ट हर तरफ ये चल रहा है। क्या आपने फर्स्ट सीज़न देख लिया है? नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर हमारी पहले वाली वीडियो देख लें जो सीज़न फर्स्ट पर बनी हुई है, और सेकंड सीज़न पर भी आप वो जाकर देख लें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीज़न थर्ड में आखिर क्या हुआ, और जस्ट 5 मिनट हैं, 5 मिनट आप ये देख लें तो आपको वो जितने घंटे भी हैं, 6 हैं 7 घंटे हैं, वो देखने का मज़ा आएगा। और ये सीज़न देखने के बाद आपको पता लगेगा, ये वीडियो देखने के बाद, कि आपको मनी हाइस्ट देखना भी चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। ये मास्क, अगर आप कह रहे हैं कि मास्क क्यों पहना हुआ है, कोरोना है ना भाई, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कहीं कोरोना ना फैल जाए। बहुत घटिया जोक था। खैर, हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, आज मैं आपको मनी हाइस्ट के सीज़न नंबर 3 और 4 के बारे में बताऊंगा, उसमें क्या होता है। तो हम पहला सीज़न भी मैंने आपको बता दिया था, उसमें कुछ भी नहीं होता। दूसरे सीज़न के एंड में चोरी कामयाब हो जाती है। अब आता है तीसरा सीज़न। तीसरे सीज़न में यह बताया जाता है कि जो चोरी उन्होंने की थी, पैसे डिवाइड हुए, उसके बाद हर कोई अलग अलग अपनी अपनी जगह एंजॉय कर रहा है। डेनवर अपनी जगह अपनी बीवी के साथ, मोनिका के साथ एंजॉय कर रहा है हेलिस की, और उसके साथ जो है वो लेता कर रहा है। प्रोफेसर अपनी बीवी के साथ, रखेल के साथ अलहदा एंजॉय कर रहा है। मोस्को पहले सीजन में मारा गया। तो अब सीजन में हमें ये बताया जाता है कि जो टोकी होती है रियो के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो उसे पार्टी करने का शौक होता है। तो वो एक आइलैंड से चले जाते हैं, वो पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, और रियो से वेट नहीं होता। रियो ने एक मोबाइल ख़रीदा होता है, उससे वो उसको कॉल कर देता है। जब वो कॉल करता है तो पुलिस, जितने भी अदारे बैकग्राउंड पे खुफिया एजेंसीज बैठी होती हैं, इनकी कॉल को टैप करती हैं। और चूंकि रियो एक छोटे से आइलैंड पर होता है, तो वो आसानी से पकड़ा जाता है, टोक्यो भाग जाती है। टोक्यो फिर किसी तरह प्रोफेसर को रब्ता करती है और प्रोफेसर को बताती है ये तब सब मामला हो। तो दूसरी तरफ रियो के ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है, उसे टॉर्चर किया जा रहा होता है कि तुम बताओ कि तमाम लोग कहाँ हैं, सब लोग कहाँ हैं। तो वहाँ पे रुई कुछ भी नहीं बताया। दूसरी तरफ प्रोफेसर तमाम जो गैंग के मेंबर्स होते हैं उनको इकट्ठा करता है, और उनको ये बताता है कि हमने रियो को बचाना है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है। असल में प्रोफेसर का मकसद होता है एक वो चोरी, जो उसका पहला ऑप्शन था उसके भाइयों का, वो चाहते थे कि वो चोरी करे, लेकिन वो चोरी उस टाइम वो ना कर सके, और उन्होंने बैंक में जहाँ पैसे छापे उन्होंने वो वाली चोरी की। तो अब उसके पास एक तो रियो को बचाना होता है, एक उन्होंने एक और चोरी करनी होती है, तो वो दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं। लेकिन प्रोफेसर का एक ये चीज़ भी होती है कि वो ये चाहता है, और उसका लाइफ स्टाइल ही है कि वो जो चोरी भी करे पहले उसके लिए सालों वो तैयारी करता है। इसके लिए उसकी कोई भी तैयारी नहीं थी, उसके भाई की थी जो पहले सीजन में मारा गया। तो अब वो तमाम लोगों को इकट्ठा करता है, उसमें उनके इख्तलाफात भी होते हैं। फिर सॉरी, एक मोटिवेशनल स्पीक करता है, स्पीच करता है हमारा प्रोफेसर, और उसके बाद तमाम लोग मान जाते हैं, हाँ जी हम चोरी करेंगे। तो इस सीजन में भी कुछ भी एंड इसका नहीं होता, जाके ये आगे चलता रहता है। तो फिर यहाँ से ये होता है, वो फौज के लिबास में बड़ी टेक्निक से वहाँ एंटर हो जाते हैं। हाँ, चोरी क्या करनी है, चोरी करना है इन्होंने ढेर सारा सोना। वो सोना पानी के अंदर कहीं छुपाया हुआ है, इन्होंने वो सोना चुराना है। उसके लिए ये फौज के जरिए अंदर जाते हैं। पहले ये वहाँ आसमान से पैसों की बारिश करते हैं, पैसों की बारिश होती है, वहाँ एक हलचल मच जाती है। वहाँ ये फौज का लिबास ओढ़ के आ जाते हैं, वहाँ से अंदर ये एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद वहाँ पे फिर मामला जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अंदर ये आधे कैदी बना देते हैं, आधों को बाहर छोड़ देते हैं, और इनके पास जो बोनस पॉइंट होता है, गवर्नर होता है, गवर्नर के एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो इनके लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। ये शुरू में उसको पकड़ लेते हैं, बाद में इन्हीं का एक मेंबर उसे छुड़ा लेता है, जो एक घटिया इंसान होता है उसे छुड़ा लेता है, और गांधी उसका नाम होता है, वो इसका इनका जीना हराम कर देता है। उसे पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उसमें ये उसकी वजह से इनके काफ़ी लोगों की पहले जान खतरे में पड़ती है, और बाद में इनका एक मेंबर मारा जाता है। और यही जो हमारा तीसरा और चौथा सीजन है, इसी चीज़ में गुजर जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 5वां सीज़न बताऊंगा, इसमें कुछ भी खास नहीं होता। तो 5वें सीज़न के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, और इसके बाद अब आप जाकर उस सीज़न को देखें तो आपको देखते हुए मज़ा आएगा। चलिए,
चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।